गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस जी बडियाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 9 चैप्टर 9 जिसका नाम है ए बार्क एंड ए पेज। इस लेसन को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सही के लिए टी और गलत के लिए एफ का आपको लिखना है, इसमें चिन्ह लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉमी इज द नेम ऑफ द कैट। टॉमी इज द नेम ऑफ द कैट, टॉमी एक बिल्ली का नाम था क्या? नहीं, टॉमी किसका नाम था? एक डॉग का नाम था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फाल्स लिखेंगे। तो एफ, फाल्स के लिए एफ लिखना है हमको। शिवम हैज थ्री सिस्टर्स। नो, उसके ओनली वहां पर इस स्टोरी में ओनली वन सिस्टर का है, तो वन सिस्टर थी उसकी, तो यहाँ पर भी हम फाल्स लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है टॉमी हैड बीन स्टोलन। टॉमी को चुरा लिया गया था। टॉमी को चुरा लिया गया था क्या? हाँ, किसने चुराया था उसको? पड़ोस के अंकल ने चुराया था ना, तो यहाँ पे हम टी फॉर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है ए डॉग बार्क्स एंड कैट म्याउस। यस, कुत्ते भौंकते हैं और बिल्ली म्याओ म्याओ करती है ना, तो टी फॉर ट्रू। व्हेन शिवम फाउंड टॉमी ही वेज्ड हिज टेल। जब टॉमी को शिवम ने मतलब ढूंढा था, तो उसने क्या किया? अपनी पूंछ को हिलाया था। यस, तो टी फॉर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए हुए क्वेश्चंस के हमको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन वुड टॉमी बार्क लाउडली एंड वेज हिज टेल। टॉमी बहुत तेज मतलब ऊंची आवाज में कब भौंकता था और अपनी पूंछ को कब हिलाता था? जब शिवम स्कूल से अपने घर पर आता था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे शिवम टॉमी वुड बी वेटिंग फॉर शिवम टू बैक फ्रॉम स्कूल ही वुड। ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। एवरी इवनिंग टॉमी वुड बी वेटिंग फॉर शिवम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड एज सून एज ही सा शिवम ही वुड बार्क लाउडली एंड वेज हिज टेल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज टॉमी फाउंड मिसिंग। When was Tommy found seen? कब उनको पता चला कि टॉमी मिस मतलब घूम गया है? कब पता चला था उनको? One afternoon when Shivam returned from school, Tommy was found missing. जब वो शिवम स्कूल एक दिन स्कूल से आया, तब उसने पाया कि टॉमी वहां से मिसिंग मतलब घूम गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है What was the color of Tommy? टॉमी कौन सा कलर था? तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर में टॉमी द डॉग वाज ब्लैक
ब्लैक इन कलर कौन सा कलर था टॉमी का ब्लैक कलर था फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन द चिल्ड्रन क्लाइम्ड अप द ट्री व्हाट डिड दे सी चिल्ड्रन कब पेड़ पर चढ़े तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कब चढ़े थे बच्चे वहां पर व्हेन द चिल्ड्रन क्लाइम्ड अप द ट्री दे सा टॉमी कैट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस जब बच्चे वहां पर जब बच्चे पेड़ पर चढ़े थे तो उन्होंने क्या देखा टॉमी उस घर के पीछे के एरिया में बंधा हुआ है When the children climbed up the tree, they saw Tommy tied in the backyard of the house. कहाँ पर बंधा हुआ था backyard the house, house के पीछे वाले एरिया में ठीक है पांचवा क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है Why did the man return Tommy to the children? Why did the man the man realized 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 that क्या realized हुआ कि अब वह उसको नहीं बांध सकता he could not hide Tommy अब वह टॉमी को नहीं छुपा सकता ज्यादा देर तक तो टॉमी एनीमोर सो ही रिटर्न टॉमी टू द चिल्ड्रंस To the children's. जब उसको ये रियलाइज हो गया कि वह टॉमी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता तो उसने टॉमी बच्चों को वह टॉमी रिटर्न मतलब वापस लौटा दिया ठीक है इसके आंसर्स को आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इसके आगे के जो क्वेश्चन से हम क्वेश्चन आंसर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू